आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक का एजेंडा क्या है, इंडिया गठबंधन की नई चुनौती क्या है, देखिए पूरी खबर। इंडिया गठबंधन का चुनाव अभियान कैसे आगे बढ़ेगा, लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों की अगली रणनीति क्या होगी, इंडिया गठबंधन की साझा रैलियां कैसे संभव होंगी, विपक्ष की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या होगी, इन तमाम सवालों पर आज इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति चर्चा कर रही है। इस बैठक के एजेंडे में सोशल मीडिया कमेटी और कैंपेन कमेटी की बैठकों में लिए गए फैसले और सुझाव शामिल हैं। बैठक के बाद इंडिया गठबंधन की कुछ साझा रैलियों का ऐलान भी हो सकता है, तो कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तैयार करने की मांग की है। वहीं इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल नहीं हुए। जेडीयू का प्रतिनिधित्व संजय झा कर रहे हैं, तो टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी आज इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए।